जी ऑनलाइन स्टूडेंट साहब ने भी कर लिया काम, समान ही है अकेला ऑनलाइन। ठीक है चलो, जी सर। ठीक है ओके। एक मिनट जरा, मसला क्या आ रहा है? रिपोर्ट कर रहे हैं यार, कर क्या रहे हैं आप? खुद देखो जरा, दो दो दफा पोस्ट किया हुआ है। ये भी सेम इस लाइन, और इसमें क्या फर्क है? चेक कर रहा था तो वैसे नहीं, मसला आ रहा है रात का। यार ये डबल लाइन क्यों लिखी भाई? आप एक एंट्री में दो एंट्री करना चाहते हैं, टाइम जाना जा रही। ये कर्ली ब्रैकेट आ गई इसकी, ये राउंड ब्रैकेट पर उसकी डिलीट हो जाएगी। ये भी डिलीट हो जाएगी। इधर आए तो उसका रजिस्टर लोकल सर्वर ध्यान ठंड कर दें, सर्वर क्रैश क्यों हो रहा है? ये सर जी एरर आ रही है अनडिफाइंड वाली। अगर ट्राई किया एक लगा के चेक करेंगे तो उधर एरर शो करवाएगा उसमें। यार ये कर क्या रहे हैं? असल में ना आप गलत कर रहे हैं। देखो ऐप रोड यूज बना इधर रहे हैं, रोड ऊपर क्यों बना दी, इसके नीचे बनाओ। मैं जहाँ आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे अरे आप कन्वर्ट ऊपर कर रहे हैं, अभी ऊपर रहे हैं कन्वर्ट नीचे हो रहा है। वो उस ये में चाहे इसी फ्लो में रहना। आप जो लिसन सर्वर की तरह वो किधर किया हो रहा है इसको? डाटा ही नहीं मिला तो बेचारा भेजेगा क्या? ये नेम और ये चीजें सेम है। नेम एड्रेस ट्रेन रिक्वायर्ड टू अपडेट विल योर डाटा ट्रेन ईमेल पासवर्ड ओके यूजर ऑनलाइन लिंक स्क्रीन जी सर। एक सवाल यहाँ पे, ये फाइल का नाम जो मर्जी हो हमने उसको ही करना है इम्पोर्ट? हाँ ये जो आप मर्जी डाल लेंगे यूजर, ये आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं एजेंसी जो मर्जी डाल। इम्पोर्ट करवाना है वो उसको करवाना है, हाँ फाइल का है उससे कोई नहीं, नहीं। फाइल आई इसमें गई है ना सर। एरर लगी हुई है फिर वो इधर क्या दिया है 127 डाटा क्या कर रहे हैं? क्रिएट डिलीट कर रहे हैं जरा, कंफ्यूज हो रहे हैं। दो शब्द बनाए, दो दो प्रैक्टिस की बात है। ओके मेरी यार, तो दोनों 5,000 रखो, इधर आप 7,000 रख रहे हो। जब रखा है तो फिर सेम रखना है, तो फिर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के लिए हाइड करने के लिए हाइड तो सब जी किया है, लेकिन ये देखे ना, ये फिर पता तो उसको चल गया कि 7,000 आ रही है। नहीं सारा उसको कैसे पता चलेगा भाई जाना, ये तो हमने अपनी उसको हार्ड कोडेड दी हुई है। ये तो या में तो उसको नजर ही नहीं आनी। अच्छा ये इसको नहीं, ये उसको कोड नहीं करना, उसको नहीं रख लेंगे। अच्छा अच्छा
ये उसको कोड नहीं जाता, ये इधर की रखी सर्वर रखा हुआ है ना, ये फाइल ही नहीं उसको जाती। अच्छा अच्छा उधर जब वो अपलोड करते हैं वहाँ पे अपनी फाइल होती है इस नाम से, फिर जो पोर्ट आपको उधर से मिलेगी उसकी सेटिंग इधर करनी होती है। ये तो हमने चलाने के लिए इधर इसको रखा होता है, इसीलिए इसको सिक्योर किया जाता है। नाम गलत रखा हुआ, कैपिटल नाम ही रखना था जी। नहीं वो आप मॉडल कंट्रोलर व्यू में कर सकते हो जब आप बनाओगे, जब फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। ये कैमरा के ऐसा ज्यादा मसला होता है वो रिएक्ट के अंदर होता है। हाँ नहीं इसमें भी आएगा लेकिन अभी वो फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं ना आया। हेलो जी सर, मैं बस तैयार हो रहे हैं, मैं फिर तुम कॉल करना, मैं अभी तुम कॉल करना, मैं वेट ही कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मैंने वो गो वर्ड देना था, मैं तुम कॉल करनी इस वजह से तुम तुम कॉल नहीं कर रही, मैं तुम करना थोड़ी देर तो फिर उधर सेम रखो ना जहाँ से सेंड कर रहे हो, देखो ना इधर आप पीस नहीं रख रहे और मॉडल में आप बढ़ा रहे कर रहे हैं, दोनों वैल्यू ऐसे जहाँ पे उसी वैल्यू में जान रहा हूँ। बाकी डाटा नहीं बाकी वो उसी मॉडल एक ही मॉडल है ना, सिर्फ सर यही एरर निकला है ना कि पी का फर्क था, और भी सर्वर का नाम कैपिटल था, एसी का वेट नहीं बनाया था, पोस्ट को अपलोड एक्सप्रेस से ऊपर रखा हुआ था। अच्छा सर वो जरा बता रहे कि किस ऊपर रहना है, जरूरी है सर जो आपने इंपोर्ट चीजें करनी है वो ऊपर रहेंगी, दरमियान में राउट्स आएंगे, एंड पे आपका सर्वर बनेगा। मेरा कोड फ्लो देखो ना, जो मेरा कोड का फ्लो देखो, जिस तरह मैं कोड करता हूँ उसी तरह किया करता हूँ। और कोड भी दो अलग अलग रखी हुई थी,
फिर आपका वो एसिंक अवेयर नहीं बना था, सर्वर का नाम कैपिटल था, काफी छोटी छोटी चेंजेस होने वाली थी। यार गुड़की हॉस्पिटल में किसी का कोई दोस्त है जाने वाला? गुड़की हॉस्पिटल मैंने खून नहीं लेना, वो हालता की ना हड्डी बाजू की टूट गई है, तो वहां पे कहते हैं डॉक्टर अच्छे होते हैं। उससे पता करना कि टाइमिंग क्या है डॉक्टर। दो डॉक्टर हैं वहां पे, एक तो नईम है और एक आमर अजीज है। आमर तो वो है जो जिसने उसामा बिन लादन का इलाज किया था, उसको तो ढूंढने में तो सकता हुआ ना इन्हें देखा हुआ। हाँ नईम रह गया, वो अच्छा है एक पीछे डॉक्टर। अच्छा जी ये कोड इसको रन कर लेते हैं दोनों को, CLS करते हैं NPM आई, वो ये तो कर लिया पहले ही अभी। चलो चलने ने कहा है CLS NPM स्टार्ट, और इसको भी कर लेते हैं CLS NPM स्टार्ट। टैड ही स्टार्ट है CLS NPM स्टार्ट। कीबोर्ड होना चाहिए A4 टैग, 1500 का कीबोर्ड आता है, उस पर बंदा काम करने का बहुत मजा आता है। मैं स्पेशल अपने पास ना कीबोर्ड रखा हुआ, वो आके ले आता, उस पर कोडिंग करने का अपना ही मजा आता है। आज सर टक 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 लगे मिनटों में कोडिंग ना प्रोजेक्ट। A4 टैग हाँ, वो स्पीड अच्छी है ना तो काम करने का ज्यादा मजा आता है। नहीं वो पैसे भरने से स्पीड तेज नहीं होती, वो ग्राइंडिंग से होती है। वैसे तो मुझे टूटा कीबोर्ड भी दे दें तकरीबन 80-70-80 निकल आती है, अच्छा हो तो वो 100 तक चली जाती है। नहीं 100 90 मेरी तकरीबन ना 2011-12 में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टाइपिंग स्पीड थी। 2011-12 में मैंने असेंबली का टेस्ट पास किया था नेशनल असेंबली का, तो वो मेंबर मान ही नहीं रहे थे, कहते कि ये किसी इंसान ने नहीं की। 97 वर्ड्स पर मिनट विद 99% एक्यूरेसी, गलतियां नहीं करते मैं टाइप में। तो उन्होंने वो ऑफर की थी तो मैंने जॉब वहां पे की नहीं थी, वो माने नहीं थे। फिर उन्होंने कहा इंटरव्यू में मेरे लिए लैदा कंप्यूटर बुलाया इंटरव्यू रूम में, कहते हमारे सामने करें। ये नहीं कैसे पॉसिबल है कि आप इतनी टाइप, ये नहीं एक वर्ड है ना, देखें ये पासवर्ड एक वर्ड है, इसको एक वर्ड हम काउंट करते हैं इंटरनेशनल, एक वर्ड है ये, इसको एक वर्ड काउंट किया जाए। 60 सेकंड में 100 वर्ड, यानी 1 सेकंड से पहले एक इतना बड़ा वर्ड लिखना, वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। गिनीज बुक में मेरा 110 तक स्पीड है, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं कुछ 1 मिनट का आगे कर लेना तो हो सकता है हमारा नाम गिनीज को एंड वाले सफों में आ गए। लेकिन इतना कि कोडिंग आसान। अच्छा आप थोड़ा सा ना, ये तो चले चल गया, ये भी चल गया, मेरा सर्वर भी चल चुका होना है। अब आज आपका मिशन है डाटा को गेट करना। सो जब डाटा को गेट करना है, ये अब आपने जेन में रखना है, ये खाली ये नहीं पड़ा होगा आपका डाटा बेस में डाटा पड़ा हुआ है इधर, और आपने उसको गेट करके कह दिया जनाब डाटा गेट कर लिया। पहले आपको उसकी API लिखनी पड़ेगी, इसका पास देख लेते हैं क्या बनाया है। अच्छा 127 यूजर प्रोफाइल है, इधर आ जाए 127.0.0.1 ढूंढते रहे सारा यूजर प्रोफाइल, ये आ गया, डेटाबेस बन गई, कनेक्ट होगी, खाली है अभी। सो इसके अंदर हम एक आध डाटा भेज के देख लेते हैं ताकि इसी डाटा को हमें गेट करने में आसानी हो। नहीं वैसे हम डाटा इधर से भेज ही क्यों रहे हैं जबकि हमारे पास आसान काम है इधर। एड्रेस लखनऊ नहीं, इसी एंगल से हमने बनाया उधर, पहले देखना पड़ेगा तरतीब देख लें, ये ना मसला हो। नेम एड्रेस ही मिल ठीक है, चलो एड्रेस लाहौर है, ali@gmail.com है, ABC123 चलो साइन अप। डाटा चला गया होना पता नहीं, देखते हैं रिफ्रेश करते हैं। हाँ
भी छोटे छोटे कई मसले मसाइल हैं। डाटा भेजने के बाद या तो हम एक ऐसा फॉर्म बना दें जिस पे ये नेविगेट कर जाए, मतलब डाटा सेव होने के बाद जिस पेज पे इसको दिखाना है ये उधर चला जाए ताकि साथ साथ एंट्रियां नजर आती रहें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये डाटा जब सेव हो जाए साइन अप करने के बाद उसको नेविगेट कर दें हम लॉग इन पेज पे, क्योंकि साइन अप कर रहा है ना तो उसको कहें चलें जी अब लॉग इन हो। आप देखें जब अकाउंट बनाते हैं ना तो फौरन ही वो आपको नेविगेट कर देते हैं लॉग इन पे भी, अब लॉग इन होकर देखो। जब लॉग इन करते हैं तो आपको होम पेज पे या जहाँ पे आप वो लेके जाना चाहते हैं। सो इसका प्रोसेस भी अभी तो उस दिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने जल्दबाजी में एक फाइल बना ली। बहरहाल इस साइड पे आते हैं, फिलहाल डाटा जा रहा है, इतना ही काफी है अभी के लिए। असलम असलम इसको कराची से है असलम, और पासवर्ड यही रहने देते हैं। चलें इधर आए, रिफ्रेश करें, सेव हो गया। फिलहाल डाटा स्टोर हो रहा है। अभी जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको देखने से पहले हम पहले सीधा सीधा काम एक दफा कर लें। डाटा स्टोर हो गया, इधर आए देखें। देखें ये फ्लो, एक तो आप छोटे छोटे ना गलतियां बता क्या कर रहे हैं, किसी ने ये सर्वर को सबसे ऊपर चलाया हुआ है, इधर चलाया हुआ है, और किसी ने राउट ऊपर रखे हैं और उसको कन्वर्ट इधर कर रहा है। आप देखें एक फ्लो से चलती है चीज। फ्लो ये कि अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी वो टॉप पे रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, सर्वर हमेशा आपने एंड पे चलाना है और दरमियान में आपके राउट्स बनेंगे, ये फ्लो ही आपने रखना है। ये नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जनाब ये चले सर्वर के बाद आप पोस्टमैन का कोई रिक्वेस्ट हिट कर दें। हो सकता है किसी केस में वो चल भी जाए, लेकिन ये एक अथेंटिक तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार बेहतरीन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे। आज हमने करना है डेटा में, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को मैंने निकालना है। ओके ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, डेटा को गेट करना है। पहले तो पोस्ट कर रहे हैं ना, अब डेटा को गेट करना है, तो गेट करने के लिए भी हमें एक अदद राउट बनाना पड़ेगा। इसको बेशक इधर कमेंट्स भी देते रहें, सेविंग डेटा टू मोंगो डीबी। चलो इधर आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, आप लिख दें यहाँ पे गेटिंग डेटा फ्रॉम मोंगो डीबी। अब इसकी एपीआई क्या होगी, एप डॉट गेट। इसका पाथ अच्छा दो मर्जी बना सकते हैं, ये भी आप सेम नाम के दो पाथ बना सकते हैं, लेकिन मेथड अलग अलग हो। मतलब ये वाला अगर आप चाहते हैं ना तो आप पुट के साथ भी बना सकते हैं, हाँ, लेकिन चारों के मेथड्स अलग अलग हों। पुट डिलीट ये नहीं आप कर सकते कि अगर आपने पोस्ट पहले बना लिया रजिस्टर पे तो आप कहीं यार मैं पोस्ट रजिस्टर पे एक और बना लो, नहीं, ये फिर आपको राउट बदलना पड़ेगा। डिफरेंट राउट के साथ आप सेम नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। गेट करते हुए भी सेम रख सकते हैं, डिलीट के वक्त भी सेम रख सकते हैं, क्योंकि उसने इसको तो पढ़ना ही नहीं होता कि आप ये कहें कि इसकी बेस पे कोई डिसीजन लेना है। उसने डिसीजन लेना है इस राउट की बेस पे, वो डाटा भेज रहे हैं या निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट गेट, मैं सेम रजिस्टर यूजर गेट यूजर लिख रहे हैं, गेट यूजर, ताकि आपको पता लगे कि हम यूजर का डाटा गेट कर रहे हैं। वही दो चीजें, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे आ जाए इसको कर दें कंसोल डॉट लॉग के अंदर तो ना लिखें, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर लिख दें गेटिंग यूजर डाटा ऑन यूआई, गेटिंग डाटा फ्रॉम मोंगोडीबी। इसको रिक्वेस्ट को हिट करके एक दफा देख लेते हैं, हमारे पास 5000 है तो यहाँ पे आ जाए, गेट कर रहे हैं, कॉपी करते हैं इसको, इधर आए गेट 5000 और स्लैश गेट यूजर, गेट यूजर, ये सेंड कर दें, सर्वर चल ही रहा होगा यार। आप बेशक इसको जब गेट कर रहे हैं ना तो आप यूआई पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि गेट का मसला ही कोई नहीं होता, वो आप यूआई पे भी अल्टीमेटली चेक कर सकते हैं। गेट यूजर, गेट यूजर यूआई पे भी आ जाएगा। लेकिन जी इसका मतलब है इसके अंदर अब हम लॉजिक लिखने के काबिल हो गए हैं,
अब इसमें हम अपनी लॉजिक लिखेंगे, हमारा डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो आपने स्कीमा बनाया किस मॉडल में बनाया है, इसमें यूजर में पड़ा है डाटा। सो अगर मैं इसमें से डाटा निकालना चाहता हूँ तो मोंगो डीबी का एक मेथड होता है यूजर डॉट फाइंड, आप चाहें तो वन बाय वन रिकॉर्ड भी ढूंढ सकते हैं, वो भी बारी आएगी जब आप एडिट डिलीट करेंगे किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। अभी के लिए जब आप फाइंड करेंगे ना तो वो सारे का सारा डाटा ही फाइंड कर लेगा इस यूजर में से। ले जिसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट रिजल्ट, इसको अवेट भी बना दें, अवेट बना दिया लेकिन ऊपर एसिंक नहीं बनाया तो इसको एसिंक भी बना दें, एसिंक अवेट, ये ले। और जो डाटा आया इसको मैं सेंड कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के हवाले करता हूँ ये वाला डाटा, बस इतना ही काम है मेरे ख्याल में। तो बस यही काम है जनाब, एपीआई लिखेगी मेरे ख्याल में तो चल जाएगा। इधर आए, इधर गेट करते हैं हम, सर्वर चल रहा है देख लें, चल ही रहा है, सेंड करते हैं, ये लें सारा डाटा आ गया, जो अभी दो रिकॉर्ड स्टोर किए हैं वो आ गए दोनों। सिर्फ फाइंड का मेथड लगाना है। हाँ, अब इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसको मैं कट करता हूँ, कि अगर रिजल्ट के अंदर कुछ हो तब ही मुझे दिखाओ, तब ये सेंड करो, अदरवाइज आप कह दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर आप एक मैसेज जनरेट कर दो, जेसन ऑब्जेक्ट में एक मैसेज बना लो अपने तौर पे, नो रिकॉर्ड फाउंड। चलो ये करना चाहते हैं तो कर लें, ना भी करें तो आपका काम इधर ही पूरा हो चुका है, यहाँ तक असल काम आपका यहाँ तक ही है। ये फर्दर है, उसको अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका काम हो चुका है यहाँ पे। नहीं जी, बैकएंड का डाटा आपका आ गया है, बस अब इसका मतलब हम फ्रंट एंड पे आ सकते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं, अगर फ्रंट एंड आ गया तो फ्रंट एंड को पहले तो क्लियर करके इसके अंदर कोई एक आध लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है मुझे, CLS NPM I React Router Down, ये React Router, हाँ ले CLS कर दें, NPM start, इसका वैसे ये आर काम कर रहा है, ले यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप हमारी लगी नहीं, पता नहीं लगी कि नहीं, लगा लेते हैं टाइम बचाते हैं, कोई एक आध नेवगार बना के इसको लगा लें, कॉपी इधर आ जाएं, यहाँ पे इंडेक्स में इस जगह पे पेस्ट कर दें, आप जहाँ मर्जी कर दें लेकिन हेड के टैग में कर दें, और इधर आके जावास्क्रिप्ट का पैकेज इंटीग्रेट कर देंगे, कंट्रोल एस बंद कर दो। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐप के अंदर जाके यहाँ पे आपने राउट्स बनाने हैं, कंपोनेंट में सबसे पहले तो आपने बनानी नेवबार डॉट जे एस, इसके अंदर नेवबार बना लें, यहाँ पे आ जाएं नेवबार, किसी को पकड़ लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर दें जेएसएक्स में, कन्वर्ट टू जेएसएक्स हो गई, ठीक हो गया। लें जी नैब बार की जगह लिख लेते हैं एलएमएस, होम है, यहाँ पे आ जाएं यूजर्स, ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए मुझे तो इसको उड़ा देता हूँ, ये भी नहीं चाहिए, ये आउटलाइन खत्म करके इस पे कल को देखेंगे क्या करना है हमें, सर्च की बजाय इनपुट को फिलहाल अभी कमेंट कर दें, इसको बना लें
लॉगिन, और इसको जाके अब अगर आप होम पे चेक करें तो पता चलेगा कि क्या आपकी नैव बार सही बन गई है। नैव बार इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, नहीं तो वो वाइट ही रहेगी। चलें होम पे, वैसे कुछ भी नहीं अभी रखा हुआ, तो इधर आते हैं राउट्स का ना पाथ बना लेते हैं। इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ, हमने राउट इंस्टॉल कर लिए हैं। इसके अंदर तीन चीजें आपको चाहिए होती है, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट्स। ब्राउजर राउटर लें आप, राउटर को ओपन और क्लोज करें। राउटर ये फिलहाल रजिस्टर को भी कट करके साइड पे रख दें। इसके अंदर आपके आ जाएंगे राउट्स, सारे राउट्स जितने भी बनेंगे यहाँ पे आ जाए। मैं लिखता हूँ राउट्स, इसके अंदर अब सिंगल आपके राउट बनेंगे। राउट पाथ उसका दे देंगे जो भी पाथ होगा, और एलिमेंट जो भी आप एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट यहाँ पे ये वाला पेस्ट कर दें। होम पे तो नहीं वैसे इसको बनाना था, चले होम पे मैं फिलहाल के लिए, अगर होम पाथ हो तो ये कर दो, अगर रजिस्टर हो तो ये कर दो, अगर यूजर हो तो ये कर दो। रजिस्टर पे भी बन गया, होम पे वैसे ही लिख लेते हैं एच वन के अंदर दिस इज अ होम पेज। होम पेज को बनाने की जरूरत नहीं, रजिस्टर बन गया, लेकिन रजिस्टर का हमने कोई बनाया तो है कोई नहीं। इसकी बजाय एक रजिस्टर भी बना लेते हैं, लॉगिन आ गया, एक और बना लेते हैं सक्सेस की बजाय प्राइमरी कर लें और कर दें रजिस्टर। ओके जी, इधर देखते हैं क्या मसला आ रहा है। नया बार को इधर ले आएंगे, पाथ पे ये यूजर्स का हमने अभी कंपोनेंट नहीं बनाया, तो यूजर का भी कंपोनेंट अभी एक फौरन ही बना देते हैं। यूजर्स डिटेल डॉट जेएस, यूजर्स डिटेल या यूजर्स लिस्ट डॉट जेएस, और इसको एच वन में शो कर दें लिस्ट ऑफ यूजर्स। इसको जहां पे शो करना है हमने, जब यूजर्स पे आए तो रजिस्टर की बजाय कर दें यूजर्स लिस्ट, ये भी इम्पोर्ट हो गया। होम पे ये हो, रजिस्टर पे ये हो, यूजर्स पे ये हो, कर क्या रहा है, इधर क्यों कर रहा है, इधर। अच्छा ये पूरा लिखा ही नहीं उसने, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, अब ठीक है। कंट्रोल एस, इधर आ जाए, अब इन पे लिंक लगाना है, तो होम पे तो चले होम आ गया, रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्टर आ जाए, यूजर पे क्लिक करें तो यूजर्स आ जाए, यूजर्स और रजिस्टर्ड, ये ले नया बार में आए। यूजर्स पे जाना है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ लिंक में कन्वर्ट, और यहाँ पे एच रेफ को कर दें टू यूजर्स, और रजिस्टर में जाना है तो रजिस्टर को भी कर दें आप लिंक में कन्वर्ट कर दें, और इधर बना दें टू का एक टैग बना लें टू रजिस्टर, ये होम पे जाना है तो होम पे भी सेम ही करवा दें, नैव लिंक पे जाएंगे तो इसको भी लिंक में कन्वर्ट कर दें, एच आर एफ को कर दें टू में, और होम पाथ आ जाएगा, और होम पे जाएगा तो होम वैसे ही होम है, तो इस पे भी होम का पाथ बना देते हैं, ये ले टू। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पहले आता है, इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, आपको राउटिंग पहले ही आती है, ये ले
ये भी हो गया। चलें इधर आ जाएं, होम पे गए, यूजर आ गए, रजिस्टर आ गए। चलो इधर हमने अब लिस्ट दिखानी है इस जगह पे, आपके राउट्स बन गए। अब इस यूजर्स लिस्ट पे आपने लिस्ट दिखानी है, तो एक तो आपने एक्सेस का मेथड यूज कर लिया है पोस्टिंग के लिए। ये देखे ना इधर आपका एसिंक का वेट मेथड पोस्ट, चलें इसी को चलाते हैं एक दफा, वैसे तो आसान ही है। चलो इसी ट्रेंड को लेके चलते हैं, एक्सेस इंस्टॉल ही नहीं किया अभी। ले जी इधर आ जाए, डाटा आपने किस यूआरएल से गेट करना है, आपको चाहिए पाथ, इसको कर लें कॉपी। आपका एक्चुअल में डाटा जो पड़ा हुआ है वो इस पाथ पे पड़ा है, इस पाथ पे यहां पे पड़ा होगा गेट यूजर, गेट यूजर, ये इस पाथ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है जो हमने राउट बनाया। इसको फिलहाल कमेंट करता हूं, मैं चाहता हूं जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये डाटा इधर ऑटोमेटिक लोड हो जाए। हाँ फॉर्म के अंदर आए तो वो ऑटोमेटिक इधर आ जाए, पहले मोंगो डीबी में जाएगा, मोंगो डीबी पे हमने क्यूरी लगा दिया, वो ऑटोमेटिक इधर आ जाए। सो पेज के लोड होने पे मैंने डाटा लेके आना, जैसे ही क्लिक करूँ तो डाटा लोड आ जाए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा यूज इफेक्ट कॉल। यूज इफेक्ट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लें और यहाँ पे आप बना दें, एक डिपेंडेंसी पास कर दें और यहाँ लिख दें गेट यूजर डाटा, एक फंक्शन बनाए और इसको यहाँ पे जाके डिक्लेयर कर दें। ये कॉन्स्ट गेट यूजर डाटा, एक एरो फंक्शन बन जाएगा, इसको एसिंक का वेट भी बनाते जाए साथ साथ। किस पाथ से गेट करना है, इस पाथ से, यहाँ पे लिखें फेच, इसको अवेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें रिजल्ट के अंदर। ये स्क्रीन जरा इस तरह कर ले। अब जो डाटा आया है, डाटा तो मेरे पास आ गया है, इसको मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि हम सिंपल मेथड लगा रहे हैं, जेसन में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी अवेट कर लें। ये और कंसोल डॉट लॉग पे रिजल्ट देख लेते हैं क्या रिजल्ट के अंदर मुझे डाटा मिल रहा है। ये आपने पहले फेच एपी पढ़ी हुई है, अब देखो कोई फर्क नहीं है, ये वही तरीका का आ रहा है जब फेक प्रोडक्ट पे किया था, उसमें सिर्फ यूआरएल ही बदला है, देखें बाकी सेम ही तरीका। इसको टेस्ट कर लेते हैं, इधर आए होम पे जाते हैं, पहले इसको कंसोल पे जाके प्रिंट कर लेते हैं। इधर आए कंसोल ओपन कर लें, वैसे डाटा तो आ गए, देखें दो आ गए, दो रिकॉर्ड आ गए, दो ऐड किए तो दो ही आने हैं अभी। अगर मैं रजिस्टर करके एक और ऐड कर देता हूँ, जवेद मुल्तान जवेद @gmail.com एडमिन साइन अप, एक और आ गया, इसको रिफ्रेश करेंगे वो तीन हो जाएंगे। इधर आए यूजर्स, अब देखें तीन हो गए। अब इसको सारा डाटा एक अरे के अंदर जा रहा है। क्वालिटी होती है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे थोड़ा रख सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट हवा में रख दें। हाँ अब जब हमने गेट करना है ना, ये हमने सोचना है कि हमने इसको गेट कैसे करना है। जब कंसोल पे आ गया ना तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, इसको यूआई पे लेके आना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं डाटा सेट डाटा, या यहाँ पे लिखते हैं यूजर्स यूजर लिस्ट कॉमा सेट यूजर लिस्ट, और यहाँ पे दे दें यूज स्टेट, इसको इंपोर्ट कर लें। अब यहाँ पे अरे देनी है क्योंकि अरे में डाटा आ रहा है। अब ये वाला जो डाटा आ रहा है, अगर मैं इसको स्टेट के हवाले कर दूँ यहाँ पे रिजल्ट को इसको दे दूँ, ये वाला कंसोल में कमेंट कर देता हूँ। अब मेरा डाटा किस में आ गया, इसमें। आप बेशक यहाँ पे आके इसको कंसोल डॉट लॉग चेक करवा के देख लें, डाटा इन स्टेट, और यहाँ पे आप कर दें इसको प्रिंट। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो जिंदगी आसान रहती है, बाद में हम मैप लगा के एंड पे खबर होते हैं कि सर डाटा नहीं आ रहा।
ये आ गया ना डाटा इन स्टेट, ये तीन रिकॉर्ड आ गए। तो अब मसला ही क्या है, इसको दिखाना ही है ना हमें, तो इसको यहाँ पे आए मैप लगा लें। डाटा किस में आ गया, यूजर लिस्ट में डॉट मैप। बल्कि इसको दिखाने से पहले एक और काम करते हैं, दिखाना किस तरह, किसी फॉर्म में दिखाना है या टेबल में या कार्ड में। डाटा इनका है तो इसको टेबल में दिखा लेते हैं, ये ले कॉपी करें पेस्ट। ये इतने रिकॉर्ड जो फालतू हैं ये उड़ा दें, क्योंकि हमने मैप लगाना है। ये इसको कट करके इधर मैप लग जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें किसी तरीके से, टी हेड टी बॉडी। यार ये फॉर्मेट नहीं हो जाएगा, चलो हो ही गया ये। इसको कट करें, यहाँ पे आपने बेसिकली मैप लगाना है, यूजर लिस्ट डॉट मैप। और मैप में आपने क्या करना है, वन बाय वन यूजर आएगा आपके पास। इसको आप ये वेरिएबल है खाली यू लिख लें, इससे बाद स्टूडेंट पता नहीं कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं बाद। रिटर्न ये ले, इसको मैं ये वाली अरे रिटर्न कर रो रिटर्न कर देता हूँ, ये ले ठीक हो गया। अब मसला क्या रहेगा, पहले देखते हैं हुआ क्या है। तक इधर आ जाए, तीन रिकॉर्ड है तो उसने तीन शो कर दी मेरे पास। सो अब मैं इस पर डेटा रियल देता हूँ, यू के साथ एक मैं आई भी ले लेता हूँ इंडेक्स। ये किस लिए, क्योंकि ये जो गिनती आ रही है ना ये तो हार्ड कोडेड है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूंगा, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपको मैंने करवाया पिछला, अगर इसको प्लस वन कर दें तो वन टू थ्री हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या देना, पहले सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम एड्रेस ईमेल। अच्छा नॉर्मल में आप यहाँ पे पासवर्ड दिखाते नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी रख ही लें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप पासवर्ड शो नहीं करते, वैसे भी अगर शो करवाना है तो ये वाला पेज ही तब एक्सेस हो, ये सिर्फ एडमिन इस पेज को एक्सेस कर सकेगा, बाकी को तो ऑथोराइजेशन ही नहीं है कि हर बंदा आगे इसको देखे। इस पर आप राउट के अंदर प्रोटेक्टेड राउटिंग करेंगे कि जब वो यूजर लॉगिन हो, एडमिन लॉगिन हो तो उसको ये पेज नजर आए। तो फिलहाल पासवर्ड अभी के लिए इधर ही दिखा देते हैं, एक और कॉलम ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एम्पर साइन करूँ एंड एन पी एस पी, इस तरह नहीं लगता स्पेस, लगा दिया उसने, बताया कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये मैं खाली ऐसे छोड़ दें, जरा आप कंफ्यूज होंगे ये खाली क्यों छोड़ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ। यहाँ पे नाम शो करवाना है तो यू डॉट नेम, यहाँ पे यू डॉट एड्रेस, जो डेटाबेस में डाटा पड़ा है। ये वाली फील्ड्स ये वाली होंगी जो इधर आपके मॉडल्स में पड़ी हुई हैं, ये आपने अपने तौर पे नहीं लिखनी। ये वाली एड्रेस इधर आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा यू डॉट ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगा यू डॉट पासवर्ड। ये इधर आगे देखें, सारे रिकॉर्ड आगे देखें। ये खाली किस लिए छोड़ा था, इस पे हमने बनाने हैं बेसिकली बटन्स। यहाँ पे आए, इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ डिलीट का, चलो डिलीट का ही बटन बना दे। लेकिन इसके अंदर अगर मैंने दो बटन बनाने हैं तो बनाने में क्या हर्ज है वैसे, अगर हम एक डिव ले लें इसके अंदर, इसके अंदर मैं दो बटन बनाना चाहता हूँ बटन, और इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम कर देते हैं btn, btn हाइफन। इसको एडिट बनाना है तो सक्सेस कर दें, और अगर डिलीट करना है तो उसको कर दें डेंजर। चलो कंट्रोल एस, ये इसलिए बेसिकली बना रहा हूँ। ये एडिट के बाद अगर स्पेस बटन बड़े बड़े हैं तो थोड़े से इसको छोटे ही कर लें, btn sm, बहुत ही बड़े आ रहे हैं ये, कंट्रोल एस ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके बाद स्पेस आ जाए तो इसके एंड पे स्पेस देनी है, मार्जिन एंड टू दे दें। चलो जी ठीक हो, ठीक है जी, अब आपका डाटा आ गया।
ये टेबल काफी जगह इसने घेरी हुई है, इसका एक ही हमारे पास हल है, इसको कट करें, इसको बना दें एक डिव के अंदर, यहाँ पे क्लास दे रहे हैं उसको कंटेनर, इसके अंदर वो सारा डाटा रख रहे हैं। अब ठीक है, हाँ अब इसको रो को थोड़ा सा सेटमेंट करना है तो कर लें, इधर आ जाएं रो की। अगर मैं क्लास नेम दे देता हूँ, अगर मैं इसकी पीजी कर दूँ प्राइमरी तो क्या फर्क पड़ेगा, हाँ ठीक है, और टेक्स्ट लाइट कर दूँ, ये भी ठीक है। यूजर लिस्ट को भी सेट कर लें, क्लास नेम दे दें, मार्जिन टॉप एंड बॉटम देना है MY, तो मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। और टेस्ट आइकन कर देते हैं वार्निंग, ये ठीक है चले। टेक्स्ट बोल्ड, वैसे वो नजर तो नहीं आ रहा, इसको कर दें सक्सेस, हाँ ये ठीक है। चलो टेबल बन गया आपका, रिकॉर्ड भी बन गया है। इसको थोड़ा सा जरा फैंसी बनाना है तो इनकी जगह पे आप वो आइकन लगा दें, वो एक टोकरी और डिलीट के जो ट्रैश आइकन हैं वो भी आपके पास टाइम है तो इसको हम फॉन्ट ऑप्शन में जाके, आप चाहें तो वो रिएक्ट के आइकन लगा लें, रिएक्ट के भी लग जाएंगे, फॉन्ट ऑप्शन के लगाना चाहते हैं तो फॉन्ट ऑप्शन के लगा लें, कोई मसला नहीं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ज्यादातर फॉन्ट ऑप्शन में अच्छे आइकन मिल जाते हैं तो फॉन्ट ऑप्शन का पहले CDN कर दें, वो लिंक आप इसका दे दें, फॉन्ट ऑप्शन CDN नहीं आ रहा, ये पड़ा है, ये लिंक कॉपी करके इसको हेड में कॉपी पेस्ट कर दें, जहां पे आप CSS इंटीग्रेट करते हैं अपनी, इधर आ जाएं यहाँ पे। असल में ना ये लाइब्रेरी इसके बाद अब काफी एडवांस लाइब्रेरी आ गई, ये एक्चुअल में हम यूज ही नहीं अब करते, ये सारी चीजें मटेरियल यू आई टेलमेंट में, इससे भी काफी मॉडर्न चीजें आ गई। चलो जी फॉन्ट ऑसम लग गया, इसकी बजाय मैं जाता हूँ इधर, इधर लिख देता हूँ फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे लिखते हैं ट्रैश आइकन फॉन्ट ऑसम, ट्रैश भी मिल जाएगा, और यहाँ पे लिखते हैं एडिट आइकन, ये भी मिल जाएगा, और इसके अलावा यूजर भी लिख दें, इसमें भी देख लें, यूजर भी आ जाएगा, साइन अप का भी ले लें, साइन अप। अब बस चुप करके जो आएंगे उनको लगाते जाते हैं, ये इसमें कुछ नहीं है, इसको फर्क करें, इसको फर्क कर दें, ये ट्रैश ही करनी चाहिए वाला, इसमें से कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप चाहें तो आपको इधर से अगर कोई कलर अपनी मर्जी से लेना है तो ये वाला आप इधर सेलेक्ट करेंगे, अब वो इसी कलर में उसको कन्वर्ट कर देगा, ये देखें। अब ये कॉपी करें, HTML कोड ले लें अभी, और ट्रैश आइकन लगाना है तो हमें यहाँ लगाना है डिलीट की जगह पे, यहाँ पेस्ट कर दें कंट्रोल S, इधर आए चेक कर लें, डिलीट लगाए कोई नहीं, क्या कर रहा है स्टाइल, अच्छा ठीक है ओके मैं समझ गया हूँ, इसको याद वो करें, इसको वैसे सिंपल ही हम लगाते हैं अभी के लिए, पता या फिर इसको स्टाइल में, हमने असल में ना वाइट जगह पे लगाना था, इसका कलर हमें कुछ वैसा रखना चाहिए, हमें बल्कि जरूरत ही नहीं थी इसको कलर रखने की, इसका कलर होना चाहिए, इधर आ जाए, इधर जाके उड़ा दें यहाँ पर, यहाँ ये स्टाइल ही उड़ा दें, वैसे तो इसको भी आप चाहें तो डबल करेंगे ना, वो डबल ब्रैकेट में कर देंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि हमने तो बनाना ही इसको वाइट जगह पे है, ये कलर इसको इधर से उड़ा देंगे, इसको डबल कमा में कर दें, ये ले अब ठीक है, अब भी वो आ जाएगा ना आ गए, लेकिन उसका ऑलरेडी कलर लगा हुआ तो हमें कलर की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रेड है तो लिहाजा ये कलर की प्रॉपर्टी ही फजूल है, इसको उड़ा देते हैं और स्टाइल भी उड़ा रहे हैं क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी डेंजर किया हुआ है देखिए, और इसकी जगह वो लगा रहे हैं पेंसिल जो हमने ढूंढी होगी कोई ना कोई, ये लगा लें, इसी को कॉपी करें, इसको यहाँ पे एडिट की जगह लगा लें, ये लें, ये भी लग गया,
इधर आ जाए, ये भी लग गया होगा, ये देखो ये भी बन गए। अब लॉगिन रजिस्टर की बारी रह गई है, ये यूजर लगाना है तो यूजर लगा ले, ये यूजर पड़ा है ये कॉपी करें और नैव बार में चले जाएं, नैव बार साइन इन करना है तो लॉगिन की जगह पे ये कर दें ये ले, और रजिस्टर की जगह पे भी एक आध कोई ना कोई आइकन लगा लें। ये देखें वो उस तरह बन गया, उसको भी स्पेस वगैरह दे दें, मार्जिन एंड दे दें इसको, मार्जिन एंड 2 या 3 करके देख दें, ज़्यादा ही फर्क आ गया, 2 कर लें। चलो ले जी, अब इस पे हम थोड़ा सा रजिस्टर पे जो हमने काम किया है, ये फॉर्म तो हमने चलो खैर नहीं ठीक किया, ये बटन जो है इसको फॉर्म भी ले लें इधर से, अब हमने काम कर ही लिया है तो चले इसको ऐसे ही रहने दें, आपको ठीक कीजिएगा। जब साइन अप हो जाए रिकॉर्ड तो क्या करें, तो आप क्या करें इसको नेविगेट कर दें किस पेज पे, इस पेज पे जब वो डाटा फिल कर दे तो इसको नेविगेट करवा दें इधर, वो सिंपल सा काम है। आप इधर आए, जब आप रजिस्टर कर रहे हैं ना, जब डाटा स्टोर हो जाए, जब हो जाए डाटा स्टोर तो रिएक्ट रोटर डॉम में आपको एक मेथड मिलता है यूज नेविगेट, ये खुद की तरह काम करता है। इसे पहले किसी वेरिएबल में अनपैक कर ले, मैं कहता हूँ नेविगेट में ही अनपैक कर लेता हूँ, यूज नेविगेट ये ले। नेविगेट कहाँ करवाना है, जब डाटा स्टोर हो जाए, यहाँ पे लॉजिक लगा दें कि अगर तो डाटा स्टोर हो गया, इफ रिजल्ट, अगर कोई भी रिजल्ट है तो इसको कर दो नेविगेट, कहाँ पे, इस बात पे, यूजर्स पे ये ले, कंट्रोल एच चेक करते हैं कोई फर्क भी पड़ा है कि नहीं। इधर आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हसन लाहौर hasan@gmail.com password 123, चलो साइन अप करते हैं, उधर से सेव हो गया। नहीं लाजमी नहीं, आपको पता है खाली इफ ही है, एल्स का तो बाद में है, इफ तब चलेगी जब वो ट्रू होगी, अगर एल्स नहीं दिया हुआ तो नहीं चलेगी, खाली जरूरी थोड़ा क्या तो देना ही देना। हाँ टर्नरी ऑपरेटर में ये मुसीबत है, नहीं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, इफ का एल्स से कोई लेना देना नहीं, इफ तब चलेगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स देने तो तब चलना है जबको आप डिफॉल्ट केस लेना चाहते हैं, और हो सकता है आप कहते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो ये चला दो, हम ये वाला नहीं देना चाह रहे। अच्छा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आप ये काम एक कर सकते हो, जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ क्या कर सकते हैं, वैसे हाँ रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, उसके अलावा यार फॉर्म, कोई फॉर्म पे मैं कहता हूँ काम हमने काफी ज्यादा किया होना है, तो इस पे हमने काम वैसे किया क्या क्या, अच्छा वाह भाई काम किया हुआ है, नेम भी रखा हुआ है, नेम ईमेल फॉर्म क्लिक, इधर से एक फॉर्म ले लेते हैं, जहाँ पे जाते हैं मैं कहता हूँ उसको एक दफा साइड पे रखते हैं, एक टोस्टिफाई रिएक्ट टोस्टर लगाए हैं आपने, हाँ तो वो टोस्टर भी लगा लें। उससे पहले मैं कहता हूँ जी साइन अप का बूट टैब पे अगर मुझे कोई टेम्पलेट मिल जाए बूट पे तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं कोई बना बनाया फॉर्म लेता हूँ, कोई फॉर्म अच्छा तो लगे ना, कोई थोड़ा सा ये जरा थोड़ा सा सही लग रहा है या ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा चलो ओके है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये जरा सिंपल सा इसको पकड़ लेते हैं, HTML पकड़े इसकी, हम टाइम बचाते हैं, कॉपी करें इधर आ जाएं, इसको कहाँ पे करना है हमने पेस्ट, इधर करना है हमें, ये तो पहले ही इसमें काफ़ी जगह ज़्यादा है, इसको कमेंट कर दें, यहाँ पे कर दें पेस्ट, और इसको कन्वर्ट कर दें JSX में, ये लें जी कंट्रोल एस, ये हो गया। अभी इसकी CSS लेके आनी है, तो यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ स्टाइल्स का,
इसके अंदर आप बना रहे हैं सी एस एस रजिस्टर डॉट सी एस एस, इसकी सी एस एस ले लें। आपको इतने छोटे मोटे काम खुद ही आने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये स्टाइलिंग के पार्ट्स वगैरह से आप गुजर के इस मंजिल पे पहुंचे होंगे। यहाँ पे मैं लिंक लगा देता हूँ उसी का, सी एस एस किसका लिंक लगाना है, डॉट स्टाइल में जाके रजिस्टर का। लो जी रजिस्टर फॉर्म भी बन गया रेडीमेड। इधर आ जाए लें, इसमें अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। अब देखो ना कि चलो कुछ शक्ल तो उसकी अच्छी लग रही है ना, इसकी बजाय हम लिख लेते हैं रजिस्टर की जगह लिख लेते हैं साइन अप। इसमें बड़े मजे की एक ना वेबसाइट है बूटस्ट्रैप बूटे, इसमें आपको बड़ी बड़ी मजे की फैंसी चीजें मिल जाती हैं। ये देखें आपको साइन अप पे ऐसे ऐसे फॉर्म मिलेंगे, देखें लॉग इन का फॉर्म, ये देखें आपको वैसे ही बनाना पड़े तो लग पता जाएगा। और अब टाइम है ना, टाइम बचाएं, आपको ये पता कि मैंने कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है तो चेंजेस कर सकते हैं। चलें इधर आए, पहले उसको कंप्लीट कर लें एक दफा, इसके बारे में सोचते हैं अभी। साइन अप ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज उड़ा दें इसको। ठीक हो गया, एंटर योर नेम आ गया, कंपनी की जगह हम कर लेते हैं एड्रेस, एंटर योर एड्रेस, ईमेल हमें चाहिए चाहिए और पासवर्ड भी चाहिए चाहिए। ठीक हो गया, बटन पे जो क्लिक पे हमने फंक्शन लगाया वो ये वाला फंक्शन उठा लेते हैं कॉपी, और इसके बटन पे ये वाला फंक्शन लगा देते हैं इस पे, इसको बटन में कन्वर्ट कर दें ये, और ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन चला दें। एचआरएफ को अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं दे रहा, इसको ये वाला लिंक दे रहे कंट्रोल एस। ठीक हो गया, अब साइन अप वगैरह पे जो उसकी प्रॉपर्टी लिखी है इधर लिखते जाएं। एक फंक्शन ही बेसिकली चाहिए हमें, नेम ऑन चेंज कॉपी, नेम का आप नेम एट्रीब्यूट, उसने नेम का नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे आप दे दें ऑन चेंज सेट नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एड्रेस, इसका नेम में एड्रेस दे दें, और यहाँ पे लिख दें सेट एड्रेस, ईमेल आ गया, नेम ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दे ऑन चेंज सेट ईमेल, ये भी हो गया। अब रह गया पासवर्ड का, पासवर्ड दिया हुआ है, टाइप अभी फिलहाल हमने टेक्स्ट रखी थी, नेम पासवर्ड या ऑन चेंज पे लगा लेते हैं सेट पासवर्ड, कंट्रोल एस करें। ठीक हो गया, ये साइन अप अजीब से ही लग रहा है वैसे, इसको कर दें रजिस्टर हियर, और यहाँ पे दे दें डबल डैश, चलो इसको मार्जिन बार दे देते हैं एम वाई थ्री, थ्री तो बहुत ही कम लग रहा है, चार ज्यादा हो गया। टेस्ट कर दें सक्सेस, चलो अच्छा जी। अब इसमें डाटा स्टोर करके देखते हैं, अगर तो ठीक हो गया तो ऊपर वाला फॉर्म बेशक बढ़ा दें। आप यहाँ पे लिखें काशव सरवोदा, चलो काशव एट द रेट जीमेल डॉट कॉम एडमन, साइन अप हो गया। अब ये पहले वाला फॉर्म बढ़ा दें ये, जी सर जवेद इधर आ रहे हैं, अभी क्लाइंट साइड पे तो हम काम नहीं ना कर रहे। जवेद ये ले, ओ सॉरी यहाँ पे कर दें बकर, चलो पासवर्ड 123, इधर आए इसको रिफ्रेश करें, जवेद ऑलरेडी स्टोर है ओके, इसको कंसोल पे जाएं क्लियर कर दें साइन अप, यू ही क्रैश हो जाएगी।
जी हाँ, अभी मैंने फ्रंट एंड पे तो नहीं लगाया, ये फ्रंट एंड पे आप लगाएंगे तो आपको फ्रंट एंड पे भी एरर देगा। ये देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ना पहले ही ये ईमेल एक दफा पहले ही स्टोर हुआ हुआ है, क्यों ऐसा कर रहे हैं दोबारा। उसके मुताबिक आपने आपको क्लाइंट साइड पे भी वैलिडेशन कर लेनी, वो भी मैंने कस्टम वैलिडेशन आपको करनी भी सिखाई है। मैं इसलिए फॉर्मिक या यब वाली साइड पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपको फॉर्मिक या हर जगह कामयाब नहीं होती, आपने कस्टम काम करना होता है। जब कंपनी में जाते हैं उसके जहन में कुछ भी आ सकता है कि ये काम करें, तो वो फॉर्मिक का जो सीधे सीधे पैटर्न है इसलिए प्रॉब्लम आती। अब इसके मुताबिक आप अपनी क्लाइंट साइड पे काम कर लें। ये देखें सिर्फ यूनिक रख रहे हैं, अगर मैं यूनिक ना रखता तो ये एक ही जवेज है 10 दफा स्टोर कर लें, कोई टेंशन, फिर फायदा क्या हुआ। ये तो यानी एक जो है कि इसको आइडेंटिकल को हमने इसकी बेस पे रिकॉर्ड लीड करना है डेटाबेस में, रिकॉर्ड उसके अंदर चेंजेस करनी है। नाम मतलब समझा, जैसे कि फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं वो भी तो एक फॉर्म होता है। हाँ तो ठीक है, ये डाटा उसी तरह बैकेंड पे जाता है, ऐसे ही मोंगोडीबी में जाता है डाटा, और इसकी बेस पे लॉगिन करते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं वो पहले डेटाबेस में चेक करता है जाके क्या ये ऑलरेडी ईमेल मेरे पास मौजूद है, और जो पासवर्ड यूजर दे रहा है ये मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो जहाँ पे नेविगेट करवाएंगे लॉगिन के पेज पे वो नेविगेट कर देगा। इधर लॉगिन का बना है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे इस पे हमने कुछ भी नहीं बनाया। लॉगिन का यहाँ पे आप फॉर्म छोटा सा बना सकते हैं, इधर आ जाए, इधर आए, यहाँ पे आप एक बना लें लॉगिन का फॉर्म, login.js RFCE, यहाँ पे आ जाए। और यार इतना टाइम बचाया करें, ये देखें ना, आपको फ्रंट एंड डेवलपर के मामले में इतना आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या चाहते हैं, बाकी जो है आपको लॉजिकल चीज़ों का पता हो। ये मैं उठाता हूँ इसको कॉपी करके, ये हेड के टैग में लगना है, यानी आपको फौरन ही चीज़ों का पता हो आप चाहते क्या है। ये लिंक है तो लिंक इधर लग गया, आवाज नहीं आ रही। बस हम बोलते नहीं, वैसे ही देखें ये काम वैसे ही करने वाला तो है नहीं, आपको पहले ही आता है। इसमें मैं कोई लॉजिकल काम नहीं करवा रहा, सिर्फ डिजाइन बना के रख रहा हूँ, जिंदगी में कभी काम आ जाएगा। Thank you.
ये कौन सा टाइम है इधर से भी जा सकते हैं चले कितना काम है वो आपने करना ही करना है ये काम अब आप करें डेटाबेस में बैकएंड पे उसका फेच मेथड बनाएं उसका पहले फाइंड बनाएं और फ्रंट एंड पे कोई अपनी मर्जी से यूजर इंटरफेस बना लें ये लॉगिन रजिस्टर फॉर्म बना के भी मैंने रख दी चले नहीं देखिए दो फॉर्म भी बन गए इधर से कल को लॉगिन करवा के देख लेंगे इसका सीडीएन इसका इधर डायरेक्ट ही दिया होता है हाँ जो दिया होगा उन्होंने इसका देखें साथ दिया हुआ था कईयों का दिया होता है देखें उन्होंने ना ये देखें ये पड़ा है उसको ऐड पे लगा लें और ये जब आप बनाएंगे ना ई कॉमर्स तब आपको इसकी याद आएगी ये बड़ी मजे की चीज है इस पे तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान है देखें प्रोडक्ट डिटेल पेज इन सब को बंद कर दें इन्होंने बड़ी ऑसम लेवल की ना ये चीज बना दी है आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है ये सिंगल पेज अब देखें ना जब आप यूज पैरम के थ्रू उस पे क्लिक करें तो ये वाला पेज लगा दें नीचे देखें ये प्रॉपर्टी है वैसे बनाना चाहें तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और ये देखें कितने स्निपेट्स हैं आपके कितने डिजाइन अगर यूजर प्रोफाइल बनानी है चेकआउट पेज है समरी का है देखें ये वो दूसरे वाला दिखा रहा है जब आप इस पे इमेजेस करते हैं देखें इस पे सिंगल प्रोडक्ट डिटेल पेज बूटस्ट्रैप अच्छा इस पे जो फ्रंट एंड पे अमेजोन पे लगे हुए ना वो अमेजोन वाले भी ये देखें अब ये आपने खुद बनाना हो ना ये वाला बनाने में कोई मसला नहीं है बना हम लेते हैं ये देखें ये देखें ये ऑन होवर पे जूम इन जूम आउट हो रहा है देखें सारा कुछ बना है सिर्फ आपने एक डिज़ाइन लेना है बाकी पे मैप लगा दें एक ही डिज़ाइन हमें पिक करना है और नीचे इसके देखें इससे रेलिवेंट और भी कई चीज़ें हैं अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आता ये वाला ले लें ये देखें टाइम बचाना है ना देखें मैं अगर बूटस्ट्रैप पे लग जाऊँ सारा दिन ये देखें ऑन ओवर पे ये आइकन ऊपर आ रहे हैं देखें वैसे ही आप पोजीशन से कर सकते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव से लेकिन मैं लगा रहूंगा तो ठीक है हाँ पता आपको होना चाहिए कि यार ये मैंने चेंजेस कैसे करनी है अगर कोई चेंजेस की जरूरत आती है तो आप उसको ईजिली चेंज कर सकें इसके अलावा ये देखें कि ये ऑन होवर पे इमेज ओवर ले इफेक्ट ये फुटर है बना बनाया है देखें फुटर भी पड़ा हुआ है बजाय इसके कि आप खपें फुटर उठाएं अपनी मर्जी के मुताबिक इसको थोड़ा सा प्लस माइनस कर लें ये पूरी की पूरी उन्होंने वेबसाइट का ये वो है जब आपका वो ऐड टू कार्ड पे इस तरह देना है आपने तो इस तरह भी कर लें देखें एक्शन है इसको रिमूव करना है ये देखें उन्होंने एक्शन भी लिख के दे दिए अच्छा इस पर नहीं वो हम जावास्क्रिप्ट से फिर खुद लिख लेंगे रिएक्ट से हाँ ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा पेज यूज होता है जो साइड पे फिल्टर बार है ये देखें हाँ इस पे लॉजिक हमने खुद लिखनी है कि जब पेंट पे क्लिक करें तो उसी का डाटा इधर आ जाए जब ब्यूटी पे क्लिक करें तो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स इधर फिल्टर हो जाए ये हमने काम करना है अब देखें ये बनाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए ये देखें इतना टाइम नहीं है कि हम इन छोटी मोटी चीज़ों पर हाँ इधर सर्च करें तो डाटा फिल्टर हो जाए नेक्स्ट पेजेस पे चले जाएं ये काम हमारे करने वाले हैं इन चीज़ों पे हम लगे रहे छोटे छोटे चीज़ों पे तो बस ठीक है फिर तो आप आगे नहीं ना बढ़ सकते इतनी की सीएसएस आपको आनी चाहिए ये सिंगल प्रोडक्ट है ये देखें उसकी डिफरेंट आइटम्स दिखाना था ये अमेजोन का पेज भी बना हुआ है ये भी बल्कि बना दिया उन्होंने ये देखें ये अमेजोन का अगर आप पेज देखें ना इसी तरह फ्रंट पेज पे बने होते हैं तीन तीन डब्बे बॉक्स ये देखें आप इन पे हार्ड कोडेड या डायनामिक डाटा दे सकते हैं
ये एक स्टाइल है, सर्विसेज का भी है। ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब आप ऐड टू कार्ड कर देते हैं तो वो चीज़ें मैप होती रहती हैं। इस पे हमने फंक्शनैलिटी लिखनी, देखें इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं तो इसकी प्राइस डबल हो जाए और इधर इसका बिल बन जाए। प्रोसीड टू चेकआउट, कोई चीज़ डिलीट करनी है तो कार्ड से रिमूव हो जाए। ये बड़ा अच्छा पेज उन्होंने बनाया है। इवन के फिर उन्होंने पेमेंट का भी बना दिया। चलो ये एरर का आ गया तो एरर का तो हमने अभी पेज ही नहीं बनाया। चलो जी एरर 404 भी बना लेते हैं, सामने आ गया। ये तो और ही है कुछ, इन्होंने एरर का नहीं किया हुआ, हमने एरर का वैसे पेज नहीं बनाया। हमें चाहिए था एरर भी बना लेते। यार क्या मसला है इसको, एरर का पेज पता है ना 404। अगर कोई अदर देन आपके राउट से हट के कोई चीज एंटर करे तो वो वाली डिटेल आप शो कर दें। ये अच्छी खासी मेहनत की हुई है इस लाइब्रेरी पे। ये देखें, अगर आपने यूजर की प्रोफाइल दिखानी है तो डाटा ये आ गया, जब लॉगिन हो तो उसका डाटा इधर पेस्ट कर दे। एरर 404 कॉपी करें, ये छोटा सा ही एरर है वैसे ही, देखें कॉपी करें इधर आ जाए। इधर ही कंपोनेंट में सब कुछ बनाते रहते हैं। एरर एरर पेज डॉट जे एस इधर आ जाए, इसकी जगह पेस्ट कर दें। ये इसको सिर्फ कन्वर्ट कर दें और इसकी CSS लगा के इसको फर्क कर दें। ये लग गया, इसकी CSS लगा लें यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर error.css इधर आ जाए। इन्होंने CSS भी दी होनी है, ये पढ़िए कॉपी करें पेज और इसका लिंक भी लगा दें। इंडेक्स में लिंक लगाना है तो यहाँ पे मैं लिंक भी लगा देता हूँ। ये लें डॉट स्टाइल स्टाइल्स एरर, चलें ये भी लग गया। अब इसका एक राउट ही बनाना है हमने, तो राउट भी बना देते हैं इधर आ जाए। एक राउट अगर वो किसी और पेज पे क्लिक करे तो स्टेरिक साइन, अगर अदर देन कोई और पेज एक्सेस करे तो यहाँ पे आ जाए एरर पेज। ये लें, बस इतना काम है। ये आपका एरर पेज भी क्रिएट हो गया है। इधर आए, यहाँ पे जाके मैं किसी और पेज को टारगेट करता हूँ। ये ले, इस पे क्लिक करके होम पे ले जाना है तो ले जाएं। एरर 404 पे जाके होम पे इसको लेके जाना है तो आप इधर आ जाएं, रिटर्न टू होम, इसको लिंक में कन्वर्ट कर दें और ये भी लिंक में हो गया। एच रेफ को कर दें टू और पाथ दे दें होम का। ये ले, और लिंक को ऊपर इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा तो इसको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं कंट्रोल एस। ये ले, इस पे क्लिक करें होम पे आ गए। एरर पेज भी बन गया, लॉगिन रजिस्टर सही है, नीट क्लीन अब हो गई चीजें काफी। ये ले, और अगर मैं अदर देन को और राउट एक्सेस करता हूँ तो एरर पेज आ गया, इधर से जाके वापस आ गया। 2 घंटों में वेबसाइट पूरी बन जाती है अगर बंदे के पास टाइम हो, फिर आपको पढ़ाना ना हो, फिर मैंने खुद ही करना हो तो 2 घंटों में पूरी वेबसाइट बन जाएगी। आपको लाइब्रेरी का पता हो, फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए कि मैंने लगाना कहाँ पे क्या है। अब ये वाला काम मैं इस पर खपता रहूँ कि जनाब मैंने टेबल अपने हाथ से बनाया, बेवकूफ़ी है ना, तो मैं लगा रहा हूँ बना तो लूँगा, टाइम वेस्ट होगा। हाँ मुझे ये पता नहीं कि मैंने कोई यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर मैंने रो एक और कॉलम ऐड करना है इसको, अब मैं ऑन होवर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ इस पे। अब ये मुझे पता होना चाहिए कि यार ये बूटस्ट्रैप के अंदर उन्होंने मुझे ऑप्शन दी है, ये आप काम कर सकते हैं। तो यूजर लिस्ट में जाके टेबल पे जाके अगर आप कर दें टेबल, एक तो स्ट्राइप कर दें डॉट स्ट्राइप और होवर का इफेक्ट लगा रहे हैं। चलो ये स्ट्राइप हो गया, तो अच्छा वो करता है वो एक लाइन डार्क और एक काम स्ट्राइप का। अगर मैं ये वाला करता ही नहीं तो फिर होवर अगर इफेक्ट देता हूँ, ओवर इफेक्ट नजर नहीं आ रहा इस पे।
ये बंद करेंगे, इस तरह भी कर सकते। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बस, ये नहीं कि आप स्क्रैच से सारी चीजें बनाएं। और वैसे भी इससे आगे जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, मॉडर्न लाइब्रेरीज आ गई, आगे टेलीमेंट और मटेरियल यूएई से एडवांस आ गई चीजें, एनिमेशन के लिए बड़ी बड़ी मजे की चीजें आ गई हैं। तो इन चीजों पर टाइम लगा, ये टाइम आपका करने वाला काम है, जब एडिट पे क्लिक करें तो ये डाटा एक एडिटेबल फॉर्म में खुल जाए, जब मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो प्रोडक्ट डिलीट हो जाए। इसको इधर जब मैं कोई शॉपिंग कार्ड बना रहा हूँ तो नीचे ऐड टू कार्ड का बटन हो, उसको ऐड टू कार्ड करूँ तो इधर शॉपिंग कार्ड में ऐड हो गया। ये काम है हमारे करने में, नहीं तो ये पूरे का पूरा डिजाइन है वो स्क्रैच से डिजाइनिंग तैयार करने वाला नहीं है। उसके लिए उनके पास बड़ी बड़ी मजे की टीमें होती हैं, वो आपको खुद खुद पूरे का पूरा डिजाइन तैयार होकर मिलता है। लॉजिक की तरफ मैं कहता हूँ ध्यान दें, कितने उन्होंने मजे के, ये देखें यूआई बनाई हुई है, ये लो अब इस पे बंदा लगा रहे, ये लो टाइम लगाना है। हाँ ये डेटा डायनेमिकली कैसे आएगा, ये एक क्वेश्चन है, ये डेटा कैसे लेके आना है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ट्रैकिंग लिस्ट, ये जो होता है कि जनाब कहाँ आपकी प्रोडक्ट पहुंच चुकी है, ये अगर आपने डैशबोर्ड पे ऐसी कोई फंक्शनैलिटी बनानी है ट्रैक करने के, ऐसे टीसीएस ये वाली फंक्शनैलिटी आपके टीसीएस वगैरह ने लगाई होती है, जब वो पोस्ट करते हैं तो कह देते हैं जनाब अभी फलां जगह पे पहुंच गया है, देखें ये कितना मजे का डिजाइन उन्होंने बनाया हुआ। ये भी आपके अक्सर होम पेज पे लगा होता है, अक्सर तीन एक डब्बा इधर बड़ा बना था, और जब इस पे क्लिक करते हैं तो डिटेल खोलें तो डिटेल पे चले जाए, ऐड टू कार्ट इसी को करना है तो ऐड टू कार्ट हो जाएगा, टाइम सेविंग है। ले जी आपका सिर्फ डिजाइन मेरा काम नहीं, क्योंकि डिजाइन की दुनिया से आप पहले ही आगे आ चुके हैं, आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं। हाँ आपका काम है फंक्शनैलिटी, रिएक्ट पढ़ना, मर्न रिएक्ट, मोंगोडीबी एक्सप्रेस और एक्सप्रेस, मोंगोडीबी रिएक्ट और नोड, ये चार चीजें आपने पढ़नी है तकरीबन आपके कोर्स खत्म होने तक। बूटस्ट्रैप में पढ़ाना चाहूंगा तो बूटस्ट्रैप पे कम से कम कुछ 7-8 क्लासें लगती हैं, सीएसएस पे 12 क्लासें लगती हैं और 2 महीने तो उसी पे लग जाएंगे। यानी सही पढ़ाए ना तो बूटस्ट्रैप पे 6 से 7 क्लासें लगती हैं, 12 से 13 क्लासें सीएसएस पे लगती है, तो सिर्फ यूआई यूआई जो है 20 क्लासों में कवर होती है। जब आपकी यूआई कवर हो जाए ना फिर आपको पता जा रही है मैंने इसको ये करना है, इसको ये करना है, छोटे छोटे काम है। अब देखिए मैं टेबल को छोटा करना चाहता हूँ इसको, और मैं ज्यादा यार ये टेबल अभी भी बड़ा है, तो अगर इसकी मैं विड्थ ही 50 कर दूं, ये लो, और छोटा करना अगर कोई फॉर्म बना तो 25 कर दें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 75 कर दें नॉर्मल पे आ जाएगा, ना करें तो वो कंटेनर की विड्थ ले लेगा, जितनी कंटेनर की 15 पिक्सल इधर से 15 पिक्सल इधर से। लेकिन जब इसमें डेटा स्क्रीन से ऐड करते जाएं, सलीम भावलपुर, भावल नगर से मैं कर देते हैं, खैर @gmail.com एडमिन साइन अप, ये रहे सारी डाटा आ गए। जब इसको डिलीट करेंगे, इसकी थोड़ी सी रिएक्ट की क्वालिटी है कि ऐसे डिलीट होगा जैसे आपको लगेगा मैजिक हो रहा है, मतलब ना पेज रीलोड होना है ना रिफ्रेश होना है, ऐसे ही जैसे आपने रेजर पकड़ के चीज नीचे से रिमूव कर दिया, और इतना हैवी ये लाइब्रेरी, जैसे क्लिक करूंगा पूरे पेज को कुछ भी नहीं और नीचे से रो गायब हो जाएगी, डेटाबेस से भी गायब हो जाएगी और यूआई से भी गायब हो जाएगी। कल हम यही वाला काम करेंगे डिलीट फंक्शनैलिटी पे। चलें एक काम करते हैं, ये टोकरी पे ना कोई ना कोई फंक्शन बना के इधर रख देते हैं, ये ट्रैश आइकन है इसको लिंक में कन्वर्ट कर, लिंक पे क्यों करना है, मैं जब ऑन क्लिक करूँ तो इस पे एक फंक्शन बना देते हैं, इधर रख देते हैं डिलीट यूजर, कॉपी करके इधर फिलहाल वैसे ही बना के रख देते हैं, कल काम आ जाएगा। इधर बना के इसको उड़ा दें, यहाँ पे रख दें आप डिलीटिंग यूजर ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, चलो कौन ये आ जाएगा, इस पे आप कर लें ये वाला अलर्ट लगा दें, चलो पता तो चले कि कनेक्ट हो गया, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली कंट्रोल एस, लो जी ये सब बटनों के साथ इंटीग्रेट हो जाए चुका होना चाहिए इसको, ये लो इस पे आप फंक्शनैलिटी का लिखेंगे।
अब देखे ना ये इसके अंदर अब सारी कहानी लिखेंगे काल स्टेट मैनेजमेंट। यू स्टेट पढ़ी है ना, यू स्टेट और प्रॉप्स का वो काम करता है। आपके पास 15 कंपोनेंट है, आप जाते हैं कंपोनेंट 1 से 10 नंबर कंपोनेंट को डेटा भेजने। कैसे भेजेंगे? अभी तक जो पढ़ा है आप पहले 1 से 2 को भेजोगे थ्रू प्रॉप्स, फिर 2 से 3 को भेजोगे थ्रू प्रॉप्स, 3 से 4 को प्रॉप, 3 से 4, 4 से 5। यू कैन नॉट स्किप एनी मिडिल कंपोनेंट विदाउट पासिंग डेटा टू ईच कंपोनेंट। आपको हर एक को पास करना ही पड़ेगा। और अभी तो मैं 10-15 की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे आपके 200 कंपोनेंट हों, मैं चाहता हूँ जो 5 नंबर है कंपोनेंट है वहां से मैंने 112 नंबर को पास करना है। अब फजूल में आपको हो सकता है 100 दरमियान में कंपोनेंट को डाटा पास करना है, जबकि आपका काम था कि 5 नंबर से एक को 112 को पास करना है। तो ये जो फजूल प्रैक्टिस दरमियान में हो रही है ना, इसको बचाने के लिए रिडक्स आया। आप डायरेक्ट पूरी एप्लीकेशन में इधर से डाटा उधर भेज दें, उधर से इधर भेज दें विदाउट पासिंग टू ईच चाइल्ड, जिधर दिल करे पास कर। लाइब्रेरी है, स्टेट मैनेज, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरी नहीं। ये आप मिसकंसेप्शन देन से निकाल दें, ये स्टेट मैनेजमेंट करती है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। चाहे आप रिडक्स उसमें .NET में यूज कर लें, चाहे PHP में कर लें, चाहे एंगुलर में कर लें, चाहे रिएक्ट में कर लें, जहां आपने इस तरह आपके ज्यादातर डाटा है, जब आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा शेयर करना है, या आप ये समझ लें अगर PHP में करते हैं मल्टीपल फाइल्स में डाटा शेयर करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। तब उस काम को आसान बनाने के लिए रिडक्स दरमियान में आया। ये इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है ना कि रिएक्ट की। हाँ, इसका रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रिएक्ट में हम टाइम पे जाते हैं। हमारे पास अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट, उससे भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट आया कॉन्टेक्स्ट API। प्रॉप्स के बाद अगला स्टेप आया था कॉन्टेक्स्ट API। डेवलपर्स ने कुछ मेहनत करके उन्होंने कहा यार ये प्रॉप्स से तो जान छुड़ाए ना, तो फेसबुक की टीम बैठी, उन्होंने फिलहाल ये वाला पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, एक कंपोनेंट से चौथे कंपोनेंट को डाटा पास करना है। अब जब 5-6 स्टेट का डाटा पास हुआ ना, तो वो एक ड्रिलिंग ऐसी क्रिएट हो जाती है कि डेवलपर्स को ही अपना कोड लिखे की समझ नहीं आती। प्रॉप इतना कम्प्लेक्स कोड हो जाता है 4-5 स्टेट के बाद के अच्छे खासे डेवलपर से हैंडल नहीं होता। जब मैं 25 या 50 स्टेट की बात कर रहा हूँ तो वो भी वहां पे फ्लॉप होगी। ये प्रॉप्स का सोल्यूशन आया था कॉन्टेक्स्ट API। हाँ, फिर उन्होंने कहा यार ये तो फिर मसला वही क्या वही, फिर ये रिडक्स की लाइब्रेरी, उन्होंने सोचा यार ये भी तो लाइब्रेरी है, इसकी आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है रीडर्स। ये करवाएंगे जब आपका शॉपिंग कार्ड बनेगा ना, एक दफा आपका ये वाला पूरा हो जाए, मैं कहता हूँ एक दफा ये क्रड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, कम से कम आपको जिंदगी में ये तो पता होना डाटा हैंडल कैसे करना है। स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट है, इट हैज यू टू राइट एप्लीकेशन दैट बिहेव कंसिस्टेंटली रन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, क्लाइंट सर्वर एंड नेटिव, जहां पे डील करता है आप यूज कर लें। अब ये सिर्फ अप्रोच ये होगी कि डेवलपर इसको समझता है कि ये इन्होंने इसी के लिए बनाया है। हाँ, आप देखें ये .NET में भी लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं .NET पे काम किया हुआ इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है, और एंगुलर में भी यूज किया है मैंने इसको, एंगुलर में भी काम करते रहे हम इस पर, व्यू में भी यूज हो रही है। इसका काम है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, जब आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हैं उनका डाटा आपने हैंडल कर रहे हैं। अब इससे एडवांस आ गई हैं चीजें रीडक्स, ये चलता है अभी क्लाइंट साइड पे। जब आपने सर्वर साइड पे जाना है तो इसके साथ आपको एक मिडलवेयर चाहिए, या थंक यूज कर लें। जब आपने API के साथ काम करना तो दरमियान में एक नई चीज आ जाती है मिडलवेयर थंक। रीडक्स के साथ आपको एक और चीज या थंक कर लें, सागा भी चलता है ये वाला रीडक्स सागा, या मोबैक्स भी चलता है, इसका काम भी यही है, और फ्लक्स भी चलता है, ये भी मिडलवेयर का काम कर रहा है ये। अब इन सब से ऊपर इस दुनिया से परे एक और दुनिया भी है रीडक्स टूल की। अब ये उससे भी एक स्टेप आगे आ गए,
लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपको रिडक्स की समझ ना आई तो टूल किट की सारी उम्र समझ नहीं आनी। वो फिर यही है कि रट्टा लगा लें, कोड लिखा है आपको पता है यार इसके अंदर चार प्रोसेस, बस इसको रट्टा लगा रहा। क्योंकि रिड्यूसर कॉम्प्लेक्स, पूरा रिड्यूसर के अंदर सही कुछ चीजें बनती हैं, उसके अंदर तीन चार चीजें होती हैं। एक्शंस क्या है, रिड्यूसर्स क्या है, स्टोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट टाइप क्या है, प्लेन एक्शंस क्या है, डिस्पैच क्या है, यूज सेलेक्टर क्या है, वो उसी में पता चलता है। ये तो एक ही खिचड़ी पका देता है, ये तो ऐसे नहीं जैसे अगर खवातीन के पास टाइम ना हो, उन्होंने खाना पकाना हो, वो उसमें मिर्चें भी काट के डाल देती, टमाटर भी डाला, दरम्यान में किचन चिकन डाल के वो प्रेशर कुकर में रखा, वो भी आधे घंटे में पक जाएगा। ये तरीका है टूल किट का। दूसरा तरीका भी है, इनके पास जब टाइम हो, इन्होंने बड़े प्यार से सब्जी को काटना है, रख देना कि मक्खियां ना बैठ जाए, टमाटर साइड पे रख, वन बाय वन चीजों को, खाना तो पक जाएगा, वैसे भी पक जाएगा, वैसे भी पक जाएगा, इसमें आपका टाइम बच रहा है। इसमें आपका हो सकता है आधे पौने घंटे में मटनी तैयार हो जाए, और इस साइड पे हो सकता है आपको 4 घंटे लग जाए। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, ये टाइम बचाता है और सारी चीजों को मिक्स कर देता है। जब मिक्स करता है ना, तो आम बंदे को पता नहीं चलता कि इसके अंदर मिक्स क्या क्या हुआ हाँ वो तब भी पता चलेगा जबकि आपको बेसिक इंग्रेडिएंट का पता होगा कि क्या क्या चीजें इसमें पहले थी जो जिनको मिक्स किया गया। सर ये पोस्टमैन के साथ डेटाबेस कैसे लिंक करते हैं? हेलो जी, ये नया सवाल आ गया। सर पोस्टमैन का डेटाबेस से कोई लिंक नहीं है, पोस्टमैन टेस्टिंग के लिए एक लाइब्रेरी है, ये लिंक नहीं होती। आपने जो राउट बनाया ना, ये देखें राउट आपने देना होता है, इसका कोई लहदा लिंक नहीं स्टेब्लिश होता। आपने जो राउट बनाया ना, वो राउट दे के आप टेस्ट करते हैं। इंसोमेनिया भी है, अब थंडर भी आ गया, जो उसके अंदर ही आपको मिल जाती है लाइब्रेरी थंडर, वो वीएस कोड के अंदर ही मिल जाती है थंडर। तो मेरा नाम उसका थंडर आई थिंक। हाँ ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स मैंने, हाँ नहीं मैंने तो वैसे ड्रामा में यही सुना होगा, ब्लैक बॉक्स जहाज के अंदर लगा होता है। अगर कोई हादसा हो तो तहकीक के दौरान पता चलता है कि क्या टेक्निकल उसमें इशू थे। नहीं इसमें रिएक्ट में तो वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स किसके लिए है? फ्लेक्स बॉक्स ब्लैक बॉक्स ये लेंगे। अच्छा नहीं ये तो फिर एआई की तरफ नहीं हम जाना चाह रहे भाई। आस्क क्वेश्चन ये लो, पहले कहता लॉग इन करें। नहीं कोडिंग अगर देखें, और ये लें ये नया मस्त कोडिंग अगर करनी है ना, तो कोडिंग के बेसिक एल्गोरिथम्स आपको पता होंगे। एआई भी तभी आप यूज करेंगे जब आपको बेसिक कोडिंग का आइडिया होगा। ये क्या सुबह सुबह उसने दे दिया वेरिफिकेशन कोड, रीसेंड कर देते हैं। ब्लैक बॉक्स इज एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट टू, यू कैन कोड 10 टाइम फास्टर एंड बेटर। अच्छा ठीक है, यानी कोडिंग आप क्विकली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोडिंग पता होगी तो हम क्विकली करेंगे ना, मसला तो ये है। अब देखें वो तो क्विकली कर देगा, मैं उसको कह दूं एक मुझे रिडक्स की ऐप बना दो, वो फौरन बना देगा चैट जीपीटी। अब मसला तो ये है कि रिडक्स उसको मैं समझूंगा कैसे, उसका फ्लो क्या है, मैं उसको अगर अपनी एप्लीकेशन में यूज करना चाहता हूँ यूज कैसे करूंगा। तो सर जी जावास्क्रिप्ट सीखें, जावास्क्रिप्ट पे टाइम लगाएं, अगर कोडर बनना है ना तो जावास्क्रिप्ट सीखें। अच्छा ये भी वो एआई टूल ही है ना, ये भी नहीं ये तो टूल टाइप ही है। इसको मैं कहता हूँ जी क्रिएट शॉपिंग कार्ट
using Redux for React JS. चलो ऐसी वैसे अभी तक क्यों नहीं उन्होंने एप्लीकेशन बनाई कि बंदा उसको लिखे कि मुझे कोडिंग आ जाए, सुबह उठे तो कोडिंग आ जाए। तो ऐसी चीज बने कि इंसान का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। आप रात को सर्च करके सोए कि सुबह तक मुझे कोडिंग आ जानी चाहिए। देखिए वो हर डीप लर्निंग पता है क्या है, वो न्यूरल नेटवर्क्स पे स्टडी होती है। जैसे आपका दिमाग बिहेव करता है ना, वो उसके अंदर भी उसी तरह वो उन्होंने वो वेव्स टाइप बनाई होती है। अब ये देखें उसने रीडक्स पे बना के दे दिया। अब मसला ये कि ये क्या है, आप कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है। और सबसे बड़ी बात इसको अपनी रिएक्ट ऐप में लगाना कैसे है। लो जी उसने, अच्छा यही वाला हम लिखते हैं कि जो हमने मोंगोडीबी में अभी काम किया ना, पोस्ट डेटा इन मोंगोडीबी मोंगोडीबी यूजिंग Node.js, और डाटा इन MongoDB यूजिंग Node.js। लो जी अभी हमने डाटा भेजा था पहले, अभी पता करते हैं क्या गया था ये। अच्छा वो डाटा भी सिर्फ ना डमी एक जेसन बना के भेज रहा है, देखें वो फॉर्म वाला डाटा नहीं भेज रहा। हाँ वो उसने सिर्फ इधर बनाया और उसको इंसर्ट वन रिकॉर्ड ले, वन थोड़ा रिकॉर्ड हमने ऐड करना है। ये वो पुरानी टेक्निक है, बहुत पुरानी है ये वाली। बहरहाल ये तब यूज मेरा करें कि जब आपको ना बेसिक एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना इन चीजों का, तब फायदा होता है। नहीं इसको करना है तो कर लें, अभी जो चीजें आपने की है इन्हीं चीजों को बेशक सर्च करें जाके। अच्छा जी कोड ही नहीं भेजा अभी तक, कोड नहीं भेजा। कॉपी करें फ्रंट एंड है, इधर लिख दें कोड 11 कोड मर्न गेट डेटा, इधर लिख दें फ्रंट एंड 11 फ्रंट एंड इलेवन बैक एंड। ये साथ साथ कोशिश करें कि अपने प्रोजेक्ट्स पे ना ये वाली चीजें इंप्लीमेंट करें। हाँ साथ जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया ना वो करते रहेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो आनी तो एंड पे मसला बनेगा।
ओए होए किधर पे दिए ओके स्टूडेंट्स।